लगातार जारी है। एक बड़ा सवाल लेना चाहेंगे, बैजनाथ कुशवाहा की पहचान उनकी दाढ़ी से हुआ करती थी, आज आपने दाढ़ी हटा दी, क्या कारण है? दाढ़ी हटाने का मेरा प्रमुख कारण है कि मैं 1990 में विधानसभा के चुनाव हुए थे पंजाब में, तो 1990 में हम पंजाब में गए थे तो उस समय लोगों की दाढ़ियाँ थी, बड़े बड़े लंबे तगड़े लोग थे, तो दाढ़ियाँ उनके चेहरे पर बड़ी अच्छी लगती थी। वहाँ पर भयंकर आतंकवाद था 1990 में, वहाँ पर पंजाबी जो आतंकवादी उनको खाड़कू कहा जाता था। हम जब प्रचार करने जाते तो सुबह जब चलते तो हमें 2-4-6 लोग रोड के किनारे मरे हुए मिलते थे, तो हमने सोचा कि ये हम भी ऐसे लगें कि पंजाबी जैसे हैं, तो हमने अपनी दाढ़ी रखा ली। वहाँ मैंने 3 महीने प्रचार किया, 3 महीने मेरी दाढ़ी तो मुझे चेहरे पर बड़ी अच्छी लगने लगी, लोग कहते हैं आप इस दाढ़ी को कभी नहीं कटाएं। तो 1990 से लेकर के मैं अभी तक, अब मैंने दाढ़ी कभी, मेरे पिताजी खत्म हुए, मेरी माताजी खत्म हुई, मेरे चाचा खत्म हुए, मेरी भाभी खत्म हुई, मेरे 2 भाई खत्म हुए, मेरे परिवार में कम से कम 1990 से लेकर के अभी तक 8 मौतें हुई, लेकिन मैंने कभी हिंदू धर्म में होने के कारण के बावजूद भी मैंने कभी अपनी दाढ़ी नहीं कटाई। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे इस दाढ़ी को काट देना चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाता था, चाहे वो गली में, बाजार में, चौराहे पे, पानी की दुकान, चाय की दुकान, होटल पे, बाजारों में, कहीं भी मैं जाता था तो सारे लोग कहते थे कि जल दाढ़ी वाला देश को खा गया, दाढ़ी वाले ने पूरा देश बेच दिया, दाढ़ी वाले ने महंगाई कहाँ पहुँचा दी, डीजल कहाँ पहुँचा दिया, पेट्रोल कहाँ पहुँचा दी, रसोई गैस कहाँ पहुँचा दिया, सरसों का तेल कहाँ पहुँचा दिया। जब तक ये दाढ़ी वाला नहीं मरेगा तब तक महंगाई ऐसी बढ़ती रहेगी, इसलिए अब कि दाढ़ी वाले को हटाओ। तो मैं समझता था जब दाढ़ी थी तो मुझे लगता था कि मुझसे ही तो नहीं कह रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जगह जगह पर अपमानित हो रहा है, बेइज्जत हो रहा हूँ, इसलिए मुझे इसको निकाल करके फेंक देना चाहिए, और मैंने उसे निकाल दिया। तो दाढ़ी वाले ने पूरे देश को महंगाई की मार से मार दिया है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बैजनाथ कुशवाहा जी, आपकी जनता दल न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पृथ्वी पूर्व चुनाव से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। बैजनाथ कुशवाहा जी, तमाम सारे लोग, कुशवाहा समाज के लोग और तमाम सारे लोग आपसे प्रेरित होते हैं, एक राजनीति में सफल होने का क्या सूत्र मानते हैं आप अपने जीवन में? देखो, मैं हमेशा विचारधारा की बात करता हूँ, और विचारधारा कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। ये मैं फुले अम्बेडकर साहू की विचारधारा का आदमी हूँ, और फुले अम्बेडकर साहू की विचारधारा इस दुनिया की धरती में सबसे पवित्र विचारधारा है। तथा बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, चोखा मेला, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, महात्मा फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, साहू जी मारे, पेरियारी भीरामा स्वामी नायकर, ये तमाम सारे महापुरुष हैं, इसमें गांधी जी भी शामिल हैं। ये सब लोगों की जो विचारधारा है इस देश को आगे बढ़ाने की, भाईचारे की, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करने की जो विचारधारा है वो मेरे दिल में कूट कूट के भरी है। और जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो मैं हमेशा विचारधारा की बात करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी मेरी कांग्रेस पार्टी से इसलिए पटी कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, ये भाईचारा बना करके इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है, इसलिए मुझे कांग्रेस को मैंने पसंद किया। और विचारधारा की जब मैं बात करता हूँ लोगों से, मैं कहता हूँ कि हमारे महापुरुषों ने क्या कहा, तथागत बुद्ध ने कहा कि यत दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो। अगर आप अपना विकास करना चाहते हो तो हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चलना पड़ेगा। तथागत बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बुद्धि की शरण में जाना पड़ेगा, संघ की शरण में जाना पड़ेगा, धम्म की शरण में जाना पड़ेगा, तभी आप बढ़ोगे। यही महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि अगर हमारा सत्यानाश हुआ है तो वो शिक्षा की वजह से हुआ है। महात्मा फुले ने एक स्लोगन में कहा कि शिक्षा बिना मति खोई, मति बिना गति खोई, गति बिना नीति खोई, नीति बिना संपत्ति खोई, संपत्ति बिना सहुए ध्वस्त, और इतने अनर्थ केवल एक अविद्या के कारण हुए। हम उन्हें बताते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज दी पावर, जानकारी ही ताकत होती है, ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। और यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारे तीनों महापुरुषों ने हमेशा यही बात कही है कि शिक्षा ही सबसे उत्तम धन है। तो जब हम लोगों को शिक्षा की बात करते हैं कि ये पार्टियाँ और ये लोग, ये और वो, सब आपको कोई आगे नहीं बढ़ाएगा, केवल शिक्षा और आपस में मिलजुल करके, जाति नहीं, हमें जमात बनानी चाहिए। मैं कभी एक जाति की बात नहीं करता, हमारे किसी महापुरुष ने एक जाति की बात नहीं की, मैंने जिन महापुरुषों के नाम लिए उन्होंने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात की है। तो मैं भी हमेशा एक जाति को न लेकर के हमेशा यही बात करता हूँ कि अपने जाति की नहीं, आपको जमात की बात करना चाहिए। बहुत सारे लुटे पुटे लोगों को जिनके साथ हजारों सालों से अन्याय हुआ है, वो सब मिलजुल कर इकट्ठे हो जाएँ तो अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को ख़त्म करवा सकते हैं। तो इस समय और आपकी जनता दल न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।